अरे शांत हो जाइए। अरे यहाँ बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? हटो यहाँ, पंखा नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ। कूट पहाड़ को कहा जाता है, चित्र माने विचित्र पहाड़। अभी मुरली में बताया वो कौन सा विचित्र पहाड़ है जहां से सारी दुनिया की सदगति होनी है। आबू पर्वत, वो आबू पर्वत तो स्थूल है, एक है याद की स्टेज का हाईएस्ट पॉइंट, जिसकी यादगार स्थूल में बनी हुई है एवरेस्ट चोटी, बहुत ऊंचाई पर है। इसका मतलब हुआ कि शिव बाबा जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है वो बहुत ऊंचाई का जब पुरुषार्थ करता है तो ढेर की ढेर आत्माएं उसके इर्द गिर्द चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि विचित्र पहाड़ हो जाता है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर जी को कैलाश पहाड़ पर बैठा हुआ। अब कोई कैलाश पहाड़ पर आता है क्या? क्या मतलब है? याद की स्टेज की ऊंचाई दिखाई गई है, उस ऊंचाई पर रहने से ज्ञान बिल्कुल पवित्र जल बन जाता है। तो कहा जाता है चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, संतों ने कहा जाता है जो सत्य को पसंद करते हैं। सत्य एक ही बाप है, वो सत्य बहुत ऊंचाई वाला है। वो संतों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है। दुष्ट लोग तो दुनिया भी धंधों में लगे रहते हैं, जो संत है वो सत्य बाप का संग करते हैं। तो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास अर्थात राम की आत्मा, वो ज्ञान का चंदन घिसा जाता है। जो जितना इस चंदन को घिसता है उतना विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर अर्थात भगवान के द्वारा मिलता है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन करेगा तो थोड़ी बादशाही का हकदार बनेगा, बहुत मनन चिंतन मंथन करेगा, बहुत चिंतन वो मंथन चंदन घिसेगा तो बहुत विश्व की बादशाही मिलेगी। और अभी की बात है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे, हाय हाय न करो, वाह वाह करो। और हाँ जी है हाँ जी हाँ
भी भक्ति मार्ग में बातें दिखाई गई हैं, वो वर्तमान संगम युग की यादगार हैं। संगम युग में जब बेसिक नॉलेज चलती है तो बेसिक नॉलेज में शिव भगवान ने तुम सब पार्वतियों को कथा सुनाई है। वो कथा सुनने वाली पार्वतियां गफलत की नींद में सो जाती हैं। उस कथा पर जो मनन चिंतन मंथन करना चाहिए वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाती। वो पार्वतियां अभी भी वहां सोई हुई हैं, लेकिन जो कंठी वाले तोते होते हैं, जिनके कंठ में जिनके गले में ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, वो तोते रुद्रमाला के मणके हैं। वो रुद्रमाला के मणके सदैव वो मंदिर में नहीं बैठते, थोड़े टाइम के लिए जाकर मंदिर में बैठते हैं और सारी कथा समझ जाते हैं। जो अमर कथा समझ लेते हैं वो अमर कथा सारे संसार में सुना देते हैं। ये समझा हुआ ज्ञान एडवांस ज्ञान कहा जाता है। बाकी जो कबूतर बुद्धि है वो वहां मंदिर में ही बैठे रहते हैं, पहले भी बैठे हुए थे अभी भी बैठे हुए हैं। पहले भी कबूतर शिव के ऊपर गंध कर रहे थे और अब भी गंध कर रहे हैं। तो कंठी वाले तोते और कबूतरों की बात है, कबूतर के गले में संदेश बांधा जाता है, वो ज्ञान का आचरण ज्ञान का वर्णन नहीं कर सकता। अगर करना भी चाहे तो उसके मुंह से वो ज्ञान निकलता ही नहीं, गुटरू गु करके रह जाएगा। बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकता। ऐसी हालत उन कबूतरों की हो जाती है। वो कबूतर कबूतरी अभी भी उस मंदिर में बैठे हुए हैं। एडवांस ज्ञान की बातें अंदर हैं, ऐसे नहीं नहीं है, लेकिन दूसरों को सुना नहीं सकते। अंदर ही अंदर घुटोरो 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 चल रही है। अगर सुनाए तो मुसीबत, और न सुनाए तो अंदर घुटघुटा रहे। और है राम लक्ष्मण भरत को देवता मानते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में देवता नहीं मानते। हाँ, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो संगम युग की बातें हैं। संगम युग में राम और राम के तीन भाई, टोटल मिलके चार भाई, दुनिया में चार फैले हुए मुख्य धर्मों के बीज हैं। सारी दुनिया में फैले हुए धर्मों के मूल पिता हैं। कोई सनातन धर्म का बाप है,
कोई इस्लाम धर्म का पिता है, कोई बौद्ध धर्म का बाप है, बीज बाप को कहा जाता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज है। तो जो सनातन धर्म का बाप है वो पूजनीय है, या दूसरे धर्म के जो बाप हैं वो पूजनीय है? इसलिए वो ही देवता है। इसलिए राजगद्दी का जो चित्र दिखाते हैं, उस राजगद्दी के चित्र में पूजा किसकी दिखाई जाती है? एक की पूजा दिखाई जाती है, वो देवता है। बाकी तो दास दासी का कर्म कर रहे हैं, कर्म ऐसे किए हुए हैं संगम युग में कि उनको दास दासी का मर्तबा मिलता है। कोई पंखा चलाता है, चमड़ डुलाता है, कोई छत्र धारण करता है, कोई पांव पखारता है, ये दास दासी का कर्म करते हुए दिखाया गया है, देवता नहीं दिखाया गया है। जो खुद ही पांव पूजन कर रहा है वो पूज्य देवता कहां हुआ? इसलिए ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में ऐसे चित्र बनाए हुए हैं, जो चित्र साबित करते हैं कि राम के तीन भाई तीन विधर्मियों के बीज हैं, वो कभी भी पक्के देवता नहीं बनते हैं, कच्चे देवता बनते हैं। और द्वापर युग में आकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बन जाते हैं। और हाँ जी, गुजरात से जब एक ही रेलगाड़ी चलेगी तो रेलगाड़ी का बेहद से क्या दिमाग? सन 48-47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हद की ट्रेन चली थी या बेहद की ट्रेन चली थी? एक ही ट्रेन जो चली हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस ट्रेन से जो निकल गए पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान निकल गए, हिंदुस्तान में आने वाले हिंदुस्तान में आ गए, पहली ट्रेन से वो बच गए, और बाकी जो दूसरी ट्रेन तीसरी ट्रेन में बैठे तो क्या हुआ? काट डाले गए। जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। तो स्थूल में हुआ कि सूक्ष्म में भी हुआ? अरे संकल्पों का संघर्ष चलेगा तो स्थूल संघर्ष भी होगा। ये संकल्प सूक्ष्म खून है। हिंदुओं के अंदर संकल्प अलग चले और मुसलमानों के अंदर संकल्प अलग चले, दोनों का खून एक दूसरे टकरा गया। ये संकल्पों की ट्रेन चली, पहले सूक्ष्म में हर काम होता है और फिर स्थूल में भी काम होता है। और जो मतलब ज्ञान में चल रहे हैं
उनको लौकिक पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, करनी चाहिए। पुरुषों की बात करते या कन्याओं माताओं की बात करते? हाँ, जो पुरुष हैं वो नर हैं। नर को यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जो नारायण जैसा राजा बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है वो भीख मांगना पसंद करेगा, दूसरों की दया पर रोटी खाना पसंद करेगा, या अपने पैरों खा रहे करके संसार के कल्याण में रोजी रोटी कमाएगा? क्या करेगा है? अपने पैरों पर भी खड़ा रहे, किसी के अधीन न रहे। राजा किसी के अधीन नहीं होता है, जो अधीन होता है वो कभी अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए पुरुषों को तो पेट का धंधा करना ही है और भाई बहनों की भी परवरिश करनी है, साथ में ईश्वरीय सेवा भी करनी ही है। बाकी कन्याओं को माताओं को पेट के लिए माथा मारने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप आया हुआ है गौपाल कन्हैया बन करके, वो गौओं की पालना करता है, बैलों की पालना नहीं करता। बाकी सेवा करना चाहे तो सेवा का फील्ड खुला हुआ है। और क्या कहा? भूत प्रेत जब कहा जाता है तो जब खरीदारी को भूत आत्मा कहते हैं। किसको कहते हैं? सूक्ष्म खरीदारी भूत आत्मा। हाँ, प्रेत भी सूक्ष्म, प्रेत भी सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, प्रमाणे प्रकष्ठ रूपेण, जो भयंकर आसन करने वाले होते हैं वो प्रेत होते हैं। भूत साधारण शब्द है, साधारण पाठ बजाने वाले होते हैं, और प्रेत भयंकर पाठ बजाने वाले होते हैं। और जब जब जैसा पार्ट बजाया है जगदम्बा ने, तब तब उसके अनेक नाम हुए हैं। भद्र माने कल्याण, काली तो है लेकिन कल्याणकारी पार्ट बजाया है तो भद्रकाली है। महान काला पार्ट बजाया है, छोटा मोटा नहीं बजाया है तो महाकाली है। तो ऐसे जैसे भगवान के काम के आधार पर अनेक नाम पड़ते हैं, ऐसे ही देवियों के भी जैसा जैसा काम किया वैसे वैसे अनेक नाम पड़ जाते हैं। और है? हाँ जी, कोर्स से क्या होता है? कोर्स न भी हो, 7 दिन इसलिए कहा जाता है कि 5 दिन बीच में कोर्स है और 1 दिन पहुंचना है, 1 दिन वहां से स्टार्ट होना है। और दूर से आते हैं तो 1 दिन सफर में जाता है, और जाते हैं तो 1 दिन सफर में जाता है। और
पांच पांडव में से एक पांडव का नाम बताया गया हिम्मत है। पांच पांडव में से हाँ हिन्नापुर नकुल नकुल जो न इस कुल का और न उस कुल का, न भारतीय कुल न विदेशी कुल, वो सन्यासी जब भारत में थे सतोप्रधान स्टेज में तो पक्के त्यागी तपस्वी थे, पक्के भारतीय थे। वही सन्यासी आज विदेशों में जाकर के बड़े बड़े महलमानियां अटारियां बना के रहते हैं, बड़े बड़े मठपंथ बनाते हैं, बड़े बड़े उनके ऐशो आराम के साधन हैं जो गृहस्थियों के जीवन में भी नहीं मिलेंगे। तो विदेशियों को भी उन्होंने मात कर दिया, हवाई जहाजों में घूमते ही रहते हैं, पब्लिक का फायदा कुछ भी नहीं। जब भगवान आता है और भगवान को पहचान लेते हैं तो विदेशी परंपरा को फिर भूल जाते, एकदम लंगोटिया बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तुम इतना त्याग और तपस्या नहीं कर सकते, इतना पवित्रता का वातावरण नहीं बना सकते जितना वो बना देंगे। तो ना विदेशी कुल के रहे और ना स्वदेशी कुल के रहे, उनका आचरण न्यूले की तरह होता है, नकुल न्यूले को कहा जाता है। जो नकुल है न्यूला है उसका काम होता है सर्प को पकड़ना और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, खंड खंड कर देता है। तो ये सन्यासी जब निकलेंगे तो क्रिश्चियंस हो चाहे मुसलमान हो चाहे इस्लामी हो चाहे पारसी हो चाहे बौद्ध हो, साहब के क्या कर देंगे, खंडन कर देंगे, साहब के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसलिए इनका नाम क्या है, नकुल। और अल्लाह जलम जलम ने क्या नरहल कुमारी है, वो ही बातें 20 बार पूछूंगी। अब मुरली रोज सुनती नहीं, अरे पार्वती ने जो ये बात बोली भक्ति मार्ग में द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा ये बात बताई गई, वो किस समय की यादगार है, इस समय संगम युग की, कि पार्वती के रूप में जो अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली पार्वती है उसका ये विरुद्ध है। क्या कि मैं जन्म जन्म कुंवारी रहना पसंद करूंगी, या तो मुझे एक के साथ वरण मिले नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। तो 21 जन्म के लिए तो सभी को मिलेगा तो उसका भी पक्का है कि 21 जन्म के लिए तो एक के ही साथ सगाई भी है रहना भी है, बाबा ने गारंटी दी हुई है। बाकी जो 63 जन्म है उन 63 जन्मों में भी अगर एक का साथ नहीं मिलेगा तो जैसे अभी वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी बनकर के सन्यासी की शूटिंग कर रही है, ऐसे सन्यासी बनकर के रहेगी पुरुष जन्म लेकर के, लेकिन किसी और आत्मा के साथ उसका संयोग नहीं होगा।
ऐसी पवित्र रहने वाली आत्मा जन्म जन्मांतर सुखी रहेगी या दुखी भी रहेगी? जन्म जन्मांतर सुखी रहेगी। उसके मुकाबले और आत्माएं नंबरवार पवित्रता को धारण करेंगी। कोई 63 जन्म में 63 बनावेंगी, कोई 63 जन्मों में एक एक जन्म में 20 बनावेंगी। अब जितनी आत्मा पवित्र होती जावेगी, अनेकों का संग का रंग धारण करती जावेगी, उतना ज्यादा दुखी होती जावेगी। इसलिए बोला वेयर इज प्योरिटी वेयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पवित्रता होती है वहां सुख संपत्ति सब कुछ विराजमान रहता है। उसे कहते हैं सुमति, अच्छी मति है जो जन्म जन्मांतर के लिए ऐसी पवित्रता धारण की है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विपत्तियां ही विपत्तियां जन्म में आती रहती हैं, फिर रोते हैं हमें ये परेशानी, हम ये दुखी हैं, खुद भी रोते रहते हैं और दूसरों को भी अपना दुखड़ा सुना तो सुना करके रुलाते हैं। और हाँ जी है हाँ जी है ब्रह्मा के मुख से आरण्यक नहीं निकले, ब्रह्मा के मुख से शतपथ आदि नाम के ब्राह्मण नहीं निकले, ब्रह्मा के मुख से सिर्फ 4 वेद निकले। वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये शास्त्रों की बातें हैं। जैसे गीता माता, ये चैतन्य गीता माता की बात है या जड़ किताब की बात है? चैतन्य गीता माता की बात है। ऐसे ही 4 वेद माने 4 आत्माएं हैं जो 4 धर्मों की बीज हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। ये 4 धर्मों के बीज ही 4 वेद हैं और कोई अलग से नहीं है। 4 प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। उनमें सबसे अव्वल नंबर है ऋक। ऋक माने सच्चाई, सच्चाई का ज्ञान। इसका मतलब ऋग्वेद में तो सच्चाई का ज्ञान भरा पड़ा है, बाकी 3 वेदों में कुछ न कुछ झूठा भी भरा पड़ा है। और ये उनकी व्याख्याएं हैं जो कई 100 वर्षों के बाद ऋषियों मुनियों ने उनकी व्याख्या की है। जैसे मुरली, और मुरली की फिर एडवांस में निकली व्याख्या, फिर मुरली की जो व्याख्या निकले उसकी भी कोई व्याख्या बैठ करे, फिर उसकी भी व्याख्या करे, तो बाल में से खाल और खाल में से बाल निकलने वाली बात हो जाती है। और उसके बाद शास्त्र बनते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये सब भक्ति मार्ग है।
अनेकों के मुख से जो कुछ निकलेगा वो रावण का मुख हो गया, और एक मुख से जो निकलेगा वो राम का मुख हो गया। एक सच्चा और बाकी सब सब झूठे। जगन्नाथ का जब रथ निकलता है तो आगे बढ़ता है। क्या कह रही है? जगन्नाथ का जब रथ निकलता है तो कहते हैं कि जब गाली देते हैं तो आगे बढ़ता है, तो इस कारण। हाँ, अभी ब्रह्मा कुमारियाँ जो जगन्नाथ का पाठ बजाने वाला है उसके शरीर रूपी रथ को गालियाँ दे रही हैं कि नहीं दे रही है? तो आगे बढ़ रहा है पीछे हट रहा है? आगे बढ़ रहा है। बाबा जो भूल से जाते हैं भट्टी करने, उनके दोनों की पूरी हो जाती है? जो भूल से भट्टी करने जाती है, हाँ, उनके दोनों की पूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन कोई भाई बहन ना जीवी चौदह है कंप्यूटर बनता वाला काम, हाँ, उनके दोनों की नहीं पूरी होती। क्यों? उनके पिता की नहीं पूरी होती। नहीं, कोई जरूरी नहीं। नजदीक है, नजदीक को जो गंगा के किनारे रहने वाले होते हैं उनको गंगा का उतना महत्व होता है, इसलिए भले वो नजदीक उन्होंने जन्म लिया है, पूर्व जन्म का उनका कुछ हिसाब किताब है, जो नजदीक जन्म तो मिल गया लेकिन महत्व उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो 9 दिन क्या, उनको तो 90 दिन भी लग जाते होंगे। और रामायण में गायन है, मांगी नाव में केवट आना, तो नाव में जब बुलाते हैं केवट से, तो केवट का पाठ किसका? रामचंद्र का पाठ। यहाँ ज्ञान मार्ग में सब चीजें चैतन्य हैं और भक्ति मार्ग में उनको जड़ रूप दे दिया है। ये नाव शरीर है, क्या शरीर रूपी नैया है, आत्मा रूपी बिठैया है और शिव बाबा रूपी खेवैया है। तो राम वाली आत्मा तो बिठैया हो गई, और जो नवैया है वो काठ की है। काठ माने कठबुद्धि है। जब रुद्रमाला तैयार होती है तो रुद्रमाला के बच्चों की पैदाइश कठबुद्धि आत्मा से होती है, वो काठ की बुद्धि वाली है। जो 20 वर्ष भगवान के साथ रहती है फिर भी भगवान को नहीं पहचानती है, तो काई की नवैया हो गई, काठ की नवैया हो गई। उसका जन्म देने वाला केवट है, वो भावना करता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव की धूल हमारी नवैया को लग जाए तो हमारी नवैया कहीं, हमारा भरण पोषण कैसे होगा? और माही नाम केवट आना कहां है, तुम्हारा हमारा मुंबई जाना है, इसका क्या होगा? तुम्हें सब रामायण रामायण याद आती रहती है। बाबा ने कहा रामायण है नहीं, रामायण है भक्ति मार्ग में ऐसे जैसे लोग आज उपन्यास पढ़ते हैं। आत्मा के पतन का सबसे बड़ा कारण आज की दुनिया में है उपन्यास और फिल्म। ये रामायण किसकी लिखी हुई है? मनुष्य गुरुओं की लिखी हुई है या भगवान ने लिखी है?
मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। शास्त्रों में ढेर का ढेर भूसा भरा पड़ा है, थोड़ा सा उसमें अनाज है। वो अनाज की बातों को बाबा हमारे सामने रख रहे हैं ज्ञान वाणी सुना करके, तो उन्हें समझाओ ना। तो क्या भूसा भूसा निकाल लेते हैं बाबा है। ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। वो ज्ञान सूर्य इस समय विदेशी का पाठ बजाए रहा है या स्वदेशी का पाठ बजाए रहा है? बाप विदेशी बनकर के आया है, तो ज्ञान सूर्य विदेशों में चमक रहा है या भारत में चमक रहा है? हैं? क्या बाप विदेशी का पाठ बजा रहा है तो चमक उसकी कहां हो रही है, विदेश में या स्वदेश में? हैं? अरे अरे भगवान बाप को पहले विदेशी पहचानते हैं या स्वदेशी पहचानते हैं? तो दक्षिण भारत वालों ने पहचान लिया। भगवान का जो वर्तमान पार्ट है वो विदेश में ज्यादा चक्कर काट रहा है या स्वदेश में चक्कर काट रहा है? विदेश में चक्कर काट रहा है। तो विदेशी है, भारत में अभी रात है, विदेश में उजेला है ज्ञान का, क्योंकि विदेश में ज्ञान सूर्य प्रकट हो रहा है। जब ब्रह्मा अर्थात ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, पूर्णमासी की रात्रि होगी, तो एक तरफ ज्ञान चंद्रमा अस्त होगा, उसी समय दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य उदय होगा। अभी ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा के मस्तक में अधूरा पाठ बजाय रहा है या संपूर्ण चंद्रमा का पाठ बजाय रहा है? अधूरा पाठ बजाय रहा है, अधूरा ज्ञान को समझा है। एडवांस ज्ञान भी अधूरा है जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है कि गीता का भगवान मैं हूं या शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी भी वो अब अधूरा चंद्रमा क्या समझता है, गीता का भगवान मैं हूं, तो दौड़ दौड़ के सफेद कपड़ों वालियों के पास पहुंच जाता है कि मैं इनको पतित से पावन बनाने वाला हूं, मेरे संग के रंग से ये पतित से पावन बन जाएंगी। ये ज्ञान जब तक भरा हुआ है तब तक ब्रह्मा की रात है या दिन है? तो गुलजार दादी में ये ज्ञान की रात तब तक है जब संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा बन जाएगा, तो दूसरी ओर ज्ञान सूर्य उदय होगा और वो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ज्ञान सूर्य को प्रकट किया नहीं बच्चों ने और चंद्रमा भी अस्त हो जाए, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। और हुई है तो कलकत्ते में गंगा सागर का मेला लगता है। हाँ जी, गंगा है अभी गंगा प्रत्यक्ष हुई?
ज्ञान गंगाओं का पाठ है अंत में, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो अभी अंत होने में देरी है। जब ज्ञान गंगा निकलेगी तो पहले पहले कहां पहुंचेगी, जहां तलवार का रूप धारण कर लेगी, कहां पहुंचेगी, बनारस काशी में। अभी काशी नगरी तो है लेकिन ज्ञान गंगा काशी नगरी से टकराई नहीं है। जो उसको ये पता लग जाए कि मेरे से भी जास्ती पवित्र पाठ बजाने वाली कोई और है, जो त्रिदेवियां भी उसके पांव पड़ती हैं, तीन देवताएं भी उसके पांव पड़ते हैं। अभी तो गंगा को घमंड है कि मैं जब उतरूंगी तो शंकर जी को भी बहा ले जाऊंगी, गड़गड़गड़ा। ऐसा अहंकार शास्त्रों में दिखाया है। तो गंगा सागर बाद में होगा कि अभी धरा है? बाद में होगा। और मीरा बाई के लिए जो है तो प्याला क्यों दिया है? मीरा के लिए जो है तो प्याला क्यों दिया? मीरा दासी कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? मीरा दासी, दासी का पार्ट है। मीरा शाहजादी को कहा जाता है, मीर शाहजादे को कहा जाता है। रुद्रमाला में बाप के दो ही बच्चे हैं, ऊपर के दो मण के, एक शाहजादा है और दूसरी शाहजादी है। तो जो शाहजादी है वो अच्छी भक्तिन तो है क्या? भक्तिन में फीमेल्स के बीच में श्रेष्ठ भक्त के कौन गाया हुआ है? मीरा गाई हुई है। वो मीरा किसका पार्ट है? है बड़ी मम्मी का पार्ट। दासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे तुलसी है, भगवान को जब भोग लगाते हैं तो पहले किसका भोग लगाते हैं? जब तक तुलसी का भोग न लगावे, वो तुलसी भोग वासना में ना आवे भगवान के सामने, तब तक भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। तो एडवांस ज्ञान में भगवान भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और पहले नंबर में भोग लगाने वाली कौन है? हैं? छोटी मम्मी, गंगा, यमुना, कौन है? जगदम्बा। लेकिन भोग तो पहले लगाती है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ी सी बेवफाई हो जाती है। भगवान को पहचानते पहचानते माया हप कर लेती है, भगवान को भूल जाती है। जो भगवान को भूलता है वो फिर विरोधी पार्ट बजाता है। भगवान तो ज्ञानी तू आत्मा, वो तो जानता है।
कि ज्ञान में आने के बाद सबसे जास्ती भगवान का संग का रंग किसने लिया, सबसे ज्यादा पावर किसने भरी। भगवान ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत किसके अंदर भर दी, जगदम्बा में भर दी। तो अब चाहे विनाश करे चाहे स्थापना करे, जो भी करेगी उस काम में कल्याण ही होगा या कल्याण होगा, कल्याण ही समाया हुआ है। भगवान बाप जानता है कि शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन शंकर विनाश करता है क्या? अगर शंकर विनाश करे तो उसके अंदर बैठने वाला जो मुकर्रर है उसके ऊपर दोष आ जाएगा, फिर शिव कल्याणकारी कहा जाएगा या विनाशकारी कहा जाएगा? विनाशकारी कहा जाएगा। तो शिव बाबा अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते, अपने मुकर्रर रथ के ऊपर भी दोष नहीं लेना चाहते, शक्तियों को आगे कर देते हैं। तो उन शक्तियों में आगे आगे है महाकाली जगदम्बा। ये काम हो जाता है, दो काम है, बनाना और बिगाड़ना। मकान बनाने वाला मकान, बिगाड़ने वाला मकान। बनाने वाला जो इंजीनियर कारीगर है वो ज्यादा पैसे कमाता है या तोड़ने वाले मजदूर ज्यादा पैसे कमाते हैं? है? बनाने वाले ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो शंकर और विष्णु ये तो हो गए बनाने वाले, और महाकाली और महाकाली की भुजाएं हो गई तोड़ने वाले। उनको भी कुछ न कुछ उजूरा मिलेगा। मजदूरों को उजूरा नहीं मिलता? मिलता है। तो ये बेहद की बातें हैं, इसलिए तुलसी को आंगन में रखा जाता है, बेडरूम में नहीं रखा जाता। बेडरूम में रानी बैठेगी या दासी बैठेगी? रानी बैठेगी। अब तुलसी को कहां बैठाते हैं? आंगन में। क्यों? क्योंकि थोड़ा घटोतरी का पार्ट बजाया है, इसलिए मीरा दासी गाई हुई है। उस मीरा दासी ने भी वही काम किया है जो शंकर जी ने किया है। शंकर का भी पार्ट है विष पीने का। दुनिया में कोई की ताकत नहीं है जो विष पचाए सके। मीरा ने भी ताकत है, विष पिया, कीचड़ की दुनिया में रही। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि से भगवान के पास उपराम रही। इसलिए महाकाली को चित्र बनाया हुआ है। उस चित्र में दिखाते हैं कि विनाश करते हुए जब दौड़ी चली आ रही थी तो उसने शंकर की छाती पर पांव रख दिया। उस टाइम भी उस चित्र में उनके मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया हुआ है। देखने में पांव छाती पर है लेकिन मस्तक में कौन बैठा है? याद में वो ऊपर बैठा है या पांव के नीचे बैठा है? सर माथे पर बैठा हुआ है। जैसे शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं वैसे महाकाली के मस्तक में भी चंद्रमा दिखाते हैं। और है दो पत्ते निकलते हैं, एक में राधा एक में कृष्ण दिखाया जाता है घर उठते हुए, किंतु मुरली में बंधन आया है कृष्ण भर के लिए, जो कि
भैया जो मिलेगी जुलेगी डूबेगी नहीं, उसमें कैसे बैठे हुए? दूसरा पत्ता कौन है? कोई भी वृक्ष होता है तो उसमें पहले एक पत्ता निकलता है कि दो इकट्ठे निकलते हैं? ये सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण है, ये तुम्हारी बनाई हुई और ब्रह्मा कुमारियों की बनाई हुई चित्र की बात है। दो पत्ते, वो दो नहीं है, पहला पत्ता कृष्ण ही है और वो पहला पत्ता जो दिखाया गया है वो पहले भगवान होगा या भगवान की अम्मा होगी, जन्म देने वाली, पालने वाली, गोद में रखने वाली, पहले भगवान या भगवान की अम्मा है? अरे बोलो ना, कौन होगी? अम्मा। तो पत्ता है अम्मा जगदम्बा, थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और वो पत्ता हिलेगा। कोई तो ऐसे महावीर होते हैं कितनी भी बड़ी परीक्षा कितनी भी बड़ी माया आ जाए हिलते नहीं, अंगद की तरह अडोल होकर रहते हैं, और वो है पीपल का पत्ता। क्या? पीपल का पत्ता, जिसकी मिसाल दी जाती है कि थोड़ा सा हवा का झोंका होगा और वो हिलेगा। संसार रूपी सागर में, ये विषय सागर में वो पत्ता बहुत हिलता डुलता है। ऐसे पत्ते की हल्की नवैया है, जीवन रूपी हल्की फुल्की नवैया, ऐसा पुरुषार्थी जिसके मस्तक में बिठैया है कृष्ण, अर्ध चंद्रमा। मां काली के मस्तक में कौन बैठा है? अर्ध चंद्रमा, वो कृष्ण की आत्मा है। इतनी श्रेष्ठ आत्मा इतनी हल्की नवैया के ऊपर पड़ी हुई है और सागर हिलोरें ले रहा है, विषय सागर। देखने वाले सोचते हैं अरे डूबी की डूबी की डूबी, अब खत्म हो जाएगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हाँ, ये नवैया ऐसी श्रेष्ठ नवैया है कि हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए ये पहला पत्ता है जिस पत्ते पर कृष्ण बिठैया है और शिव बाबा खिवैया है। और जोर से बोलो, हमें सुनाई कम पड़ता है। वाह भैया, माताओं को नष्टो मोह पहले बनना है और माताएं ही पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है। अरे देह अपनी और संबंधियों की देह से मोह नष्ट हो जाए और शिव बाबा में मोह लग जाए क्या? कहा क्या मतलब हुआ? अपनी देह में मोह नष्ट और इस देह के जो संबंधी हैं उनमें भी देह का लगाव नष्ट हो जाए। और कहां लग जाए? कहां की स्मृति आ जाए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसमें न समझने की क्या बात है? सीधी सी बात है, रोज मुरली में बोलते हैं बाबा। क्या बोलते हैं? अपन को आत्मा समझो, देह न समझो, देह सहित देह के संबंधियों
और पदार्थों से मोह नष्ट कर दो और किस में लगा दो, एक बाप में लगा दो। और हाँ जी, तीसरा नेत्र क्यों दिखाया है? तीसरा नेत्र जो है वो चित्रों में खड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है, और बाकी दो नेत्र पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि तीन आत्माएं दिखाई गई हैं। ये आत्मा रूपी तीन नेत्र हैं, एक है दाईं ओर की आत्मा रूपी नेत्र, कृष्ण वाली आत्मा जो अच्छा ही अच्छा देखती है, और एक है बाईं ओर की आत्मा, क्या जिसको धर्मराज के रूप में पार्ट बजाना है प्रैक्टिकली, क्या क्या बुराई है देखती है, ये भी पड़ी हुई है और ये भी पड़ी हुई है। और ये तीसरा नेत्र जो शिव नेत्र कहा जाता है, वो शिव की आत्मा खड़ी हुई है। ये तीन नेत्र हैं, तीन आत्माओं की प्रवेशता को ही त्रिनेत्री कहा जाता है, बाकी इन स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। अरे इतना आवाज क्यों कर रहे हैं आप, नीचे जाइए। अरे थोड़ा रुको, हाँ जी, है आज प्राप्त करेंगे आप आए हैं। हाँ, जो बाप राजयोग सिखा रहे हैं वो राज यही है कि एक के संग के रंग में राज भरा हुआ है, एक के अलावा अगर दूसरों का भी बुद्धि ने संग का रंग लिया तो नाराज है, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसमें न समझने की क्या बात है, राजयोग सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखा सकता। 63 जन्म सिखाने वाले गुरुओं ने राजयोग के नाम पर राजभोग सिखाया कि योग सिखाया, भोग सिखाया, भोग भोगते भोगते इंद्रियां नष्ट हो गई, आत्मा की शक्ति छीण हो गई, आंखें अंदर घुस गई, इंद्रियों की ताकत लोप हो गई। जो देवताएं 24 घंटे सुख भोगते थे, इतना सुख भोगते थे कि सोते भी नहीं थे, वो अब सुख क्षण भंगुर रह गया है। क्षण भंगुर सुख के पीछे आज आदमी सारी ताकत लगा रहा है, तन की ताकत लगा रहा है, दिन में भी कमाता है रात में भी कमाता है, धन की सारी ताकत लगाता है क्षणिक सुख भोग के लिए, मनसा की सारी ताकत उसी में उलझी हुई है क्षणिक सुख भोग के लिए। विकारों में कौन सा विकार प्रधान है, काम विकार प्रधान है। स्त्री मरती है तो पुरुष की याद में मरती है, पुरुष जन्म मिल जाता है, पुरुष मरता है तो किसकी याद में मरता है, स्त्री चोले की याद में मरती है, मरता है तो स्त्री चोले का जन्म मिल जाता है। इस काम विकार ने सारा चौपट करके रख दिया,
ये इंद्रियों का भोग किसने सिखाया? भगवान ने है? अरे भगवान तो अभोक्ता है, वो इंद्रियों का भोग भोगने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। हाँ ये बात जरूर है, अमोघ वीर्य एकदम चुपचाप में नहीं बन जाता है, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्यन च गृह्यते। क्या करना पड़ता है? स्मृति का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते बार बार अभ्यास पक्का करना पड़े एक की स्मृति का, और वैराग लाना पड़े ज्ञान के आधार पर। अरे ये दुनिया सब नष्ट होने वाली है, ये जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं ये आज दिखाई पड़ रहे हैं, कल कल नहीं रहेंगे। ये आज जो दिखा रहे हैं हम बड़ा प्यार करते हैं, कल ये हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? बाप बाप में नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, और पति तो आज फिर भी पति नहीं है। और हाँ जी, तीन सीट जो पक्की हो चुकी है वो बहुत पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। ब्रह्मा की सीट पक्की, विष्णु की सीट पक्की और शंकर की सीट, तो कहां संशय आ रहा है? है बनने का? हाँ जी हाँ जी है? क्या कह रहे? सीट खाली नहीं है। अरे ये कुर्सी दौड़ है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तीन कुर्सियों की बात नहीं है, ढेर की ढेर कुर्सियां पड़ी हुई है। हम सब पुरुषार्थ में दौड़ रहे हैं, पहले 3 कुर्सियां रखी गई, सारे दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, 3 पहले बैठ गए। अब तुम अगर कहना चाहते हो ये 3 नहीं हो सकते। हाँ हाँ, वो तो क्षेत्र में ही हो गया, वो तो क्षेत्र में ही बोल दिया, 66 में ही बोल दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो कौन सा सन में हुआ? 76 में प्रत्यक्ष हो गया। यहाँ तो 3 सीटों की बात हो रही है, 2 की नहीं है। तो भाग जाओ, अरे भाई यहाँ तो 16000 सीट से हैं। बाप के राज परिवार में कितने हैं भांति? बाप के राज परिवार में 16000 भांति हैं, जो आज नहीं तो कल कोई न कोई जन्म में राजा राजा नहीं बनेंगे तो कम से कम प्रिंस या प्रिंसेस जरूर बनेंगे। है क्या है? वो बातें बना रहे हैं कुर्सी पे बैठे बैठे है? क्या भाव है सो बताओ ना है? हाँ हाँ
तो यहाँ लक्ष्मी नारायण की एक सीट है क्या? लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे तो बनेंगे, हाँ। और वो मनमत है क्या? और टाइम हो चुका, घर जाने की देर हो रही है लोगों को।